नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेशों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या बनी चिंता का विषय। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ढाबेल सोमनाथ रोड हुआ सील। वापी की चनोट शिव शक्ति बिल्डिंग के वॉचमैन पर 5 व्यक्तियों ने सरियों से हमला किया। पार्टी में विपुल कॉम्प्लेक्स के पास बह रहे गंदे पानी की पालिका द्वारा सफाई कराई गई। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेशों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या बनी चिंता का विषय। मंगलवार केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन के लिए एक बुरा सपना बन गया। इस दिन दादरा नगर हवेली में कुल 9 सकारात्मक मामले सामने आए हुए हैं। इसके साथ ही दमन में भी कोरोना के 5 मामले एक ही दिन में सकारात्मक मिले हुए हैं। कुल मिलाकर एक ही दिन में दोनों प्रदेश के मिलाकर 14 मामले दर्ज किए गए हैं। सेल्वास में 39 और दमन में 11 का कुल आंकड़ा पहुंचने के बाद कोरोना की सकारात्मकता आधी सदी तक पहुंच गई है, जिससे प्रशासन और लोगों में चिंता भी पैदा हो गई है। अब तक संक्रमित कोरोना के सकारात्मक मामले दादरा नगर हवेली के दादरा गांव से आते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को यह प्रणाली 9 मामलों के साथ एक ठहराव में आ गई, जो एक शहरी क्षेत्र सेल्वास से एक साथ आ रहे थे और उनमें से अधिकांश का यात्रा इतिहास रहा है। संघ प्रदेश सेल्वास की पद्मावती विहार सोसाइटी में 4 व्यक्तियों के कोरोना नमूने लिए गए थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट मंगलवार को सकारात्मक आई हुई है, जिसके कारण इस सोसाइटी और उसके आसपास के एरिए को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव से 3 व्यक्ति और एक मुंबई से आने वाले को क्वारंटाइन में रखा गया था। वो तीनों व्यक्ति के रिपोर्ट भी सकारात्मक मिले हैं। उनके अलावा अन्य 2 व्यक्ति सेल्वास के ट्रीट रिसोर्ट में क्वारंटाइन किए गए थे, उनके रिपोर्ट भी सकारात्मक आए हुए हैं। सिविल में भी 2 अन्य व्यक्ति के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और उनके रिपोर्ट भी सकारात्मक मिले हुए हैं। सेल्वासा प्रदेश में कुल 39 केस पॉजिटिव थे, जिनमें से 9 व्यक्तियों की रिकवरी हो चुकी है। कोविड-19 महामारी जो दुनिया भर में फैली हुई है, 9 जून तक केंद्र शासित प्रदेश दमन में प्रवेश नहीं हुआ था, पर अब केवल 7 दिनों में 11 मामले कोरोना के सामने आए हुए हैं। मंगलवार को 5 मामले एक साथ आने से प्रशासन और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पहले दाबेल स्थित विजय बार एंड रेस्टोरेंट में रहता और वापी वेल्सपन कंपनी में काम करने वाला युवक पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। इस बिल्डिंग में रहने वाले 25 वर्षीय 2 युवकों के सैंपल मंगलवार के दिन कोरोना के सकारात्मक मिलने पर आरोग्य विभाग ने जरूरी कार्यवाही की थी। इसके साथ ही नानी दमन दिलीप नगर के दिलीप एम्पायर बिल्डिंग को सील किया गया है, जबकि मंगलवार की शाम को कच्ची गांव के मोटीकोड़ी वार्ड के 30 वर्षीय महिला दाबेल स्थित दाहिया भाई के मकान के बाजू में आई हुई चौल में रहते 36 वर्षीय युवक और वापी में रहते 37 वर्षीय युवक क्वारंटाइन में थे। उन सभी के रिपोर्ट सकारात्मक आए हुए हैं। ऐसे में अभी संघ प्रदेश दमन में कुल 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ढाबेल सोमनाथ रोड हुआ सील। मंगलवार के दिन दादरा नगर हवेली में एक ही साथ 9 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद दमन में भी एक ही दिन में 5 जितने केस
कोरोना के सकारात्मक मिले थे, जिसको ध्यान में रखते हुए दमन प्रशासन ने तमाम असरग्रस्त विस्तारों को कंटेनमेंट जोन में घोषित करके दमन और सोमनाथ को जोड़ते डी मार्ट के मार्ग को सील कर दिया है और साथ ही साथ दाबिल सोमनाथ विस्तार में आई हुई तमाम कंपनी के कर्मचारियों पर दमन के अन्य विस्तार में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ है। प्रशासन द्वारा 4 से 5 दिन तक यह प्रतिबंध जारी किया गया हुआ है, जिस दौरान आरोग्य विभाग समग्र विस्तार में जहां जरूरत पड़े वहां लोगों के सैंपल एकत्रित करेंगे और कामदारों की जानकारी भी इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा दाबिल सोमनाथ विस्तार की सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया हुआ है। वापी की चनोट शिव शक्ति बिल्डिंग के वॉचमैन पर 5 व्यक्तियों ने सरियों से हमला किया। वापी के चनोट गांव में शिव शक्ति बिल्डिंग के ई विंग 310 में रामचंद्र पिराजी वाकर रहते हैं। वह खुद ही की बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी करते हैं। ऐसे में मंगलवार की रात्रि 2:30 बजे के आसपास अचानक से 4 से 5 जितने अनजान व्यक्ति रामचंद्र के पास पहुंचे थे और उन्हें क्या तकलीफ है यह सवाल किया था। रामचंद्र ने इस मामले के चलते कोई उत्तर न देने के वजह से उन अनजान आदमियों ने रामचंद्र को पकड़कर रामचंद्र के हाथ और घुटने पर लोखंड के सलिए से मार मारा था। अनजान व्यक्ति आपस में बातचीत करते समय एक दूसरे के नाम ले रहे थे, जिसके आधार पर 3 अनजान व्यक्ति के नाम सामने आए हैं, जिसमें राजू, संदीप और लावण्य, जो चनोद में ही रहने का वॉचमैन रामचंद्र ने बताया हुआ है। यह 5 आदमी जिन्होंने रामचंद्र को मार मारा था वह नशे की हालत में वहां पर आए हुए थे। इस मामले के बारे में पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे उसके पहले ही 5 असामाजिक तत्व वहां से भाग छूटे थे। उन अनजान व्यक्तियों ने वॉचमैन की कुर्सी, डंडा और दुकानदार की कैरेट से उसे मार मारा था। ऐसे में असामाजिक तत्व की तुरंत ही गिरफ्तारी हो और उन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरी बन चुका है। रात को 2:30 बजे 5 लड़के आए थे, अचानक मेरे को पूछे तेरे को क्या तकलीफ है, आके मेरे को खड़ा किए और मेरे को मेरे पैर में और हाथ में सलिया से रॉड से मारे। उसमें से 2-3 आपस में एक दूसरे को नाम पुकार रहे थे, 2-3 लोग का मैं नाम जानता हूँ। नाम एक का संदीप है, एक लावण्य है और एक राजू। वो लोग वही चनोद गांव के अंदर ही है, दारू पी के आए थे। वो मेरा उसका कुछ जाना पहचाना नहीं, कुछ नहीं, आपस में ना बोल रहे थे एक दूसरे को नाम, तभी मैं जाना कि वो लोग का ये नाम है। मैं को रात को 2:30 बजे हम 5 लड़के लोग आके डायरेक्ट मारने लगे, कुछ पूछे नहीं, डायरेक्ट यही बोले तुझको क्या तकलीफ है और डायरेक्ट मारना चालू कर दिए। उसके बाद में 2:30 बजे वो मार के इसको गई, हम लोग के पास फ़ोन किया, हमारी सोसाइटी पूरी निकली, फिर वापस वो लोग छुप गए। पुलिस 1 घंटे के बाद में पुलिस पहुंची उधर। उसके बाद में जब ये सारे लोग पुलिस स्टेशन आए तो वो लड़के लोग वापस फिर आए, पूरा कीचड़ से उन लोग का पैर वैर सब गंदा था। वापस हम लोग पूछे आप लोग क्यों आए, बोलते हम लोग उन लोग को बचाने आए थे, नहीं तो पूरा हाथ पैर टूट जाता। तो 5 लड़के आए थे, बोलते इनको मारे हो, इतना जोर जोर से मारे, खुर्ची भी तोड़े, सब तोड़े, उनको कैसे बचा के उनको ही पता कि वो कैसे बचा के आए, कुछ भी नहीं किया, उनको बोले भी नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही मार दी। बोले क्यों मारे हो लोग ऐसे, कुछ एक्शन ले लो। फिर उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, हम लोग नीचे आए थे, फिर छुप रहे थे, फिर वो लोग छुप छुप के देख रहे थे, लोग गए क्या है करके। गाड़ी आती थी ना पुलिस की तो चले जाते थे, फिर गई ना गाड़ी तो फिर आए थे। एक बार आए तो बोलते हैं हम लोग की उनकी हेल्प कर रहे थे, मार नहीं रहे थे उनको, ऐसा बोले। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Thank you.
फिर से आपका स्वागत है। वापी में गरीब परिवारों को बस द्वारा अपने घर कर्नाटक भेजा गया। तालाबंदी यानी लॉकडाउन में गरीब लोग मुसाफरी के पैसों की कमी के कारण अपने गांव जा नहीं पाए। ऐसे लोग वापी में ही मुश्किलियों से भरी अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हुए थे, जिसमें मूल कर्नाटक के और वापी में बच्चों के पास अंग कसरत करवाकर और चाबुक के मार खाकर भीख मांगने वाले परिवार को वापी पालिका के विपक्षी नेता और अन्य साथीदारों ने पैसे जोड़कर बड़ोहत बस करवाकर कर्नाटक भेजा है। कोरोना महामारी में लगाए गए तालाबंदी में वापी से हजारों लोग बस, ट्रेन या फिर अन्य वाहनों में अपने अपने गांव चले गए हैं। ऐसे में कई गरीब परिवार पैसों की कमी के कारण अपने गांव नहीं जा पाए, तभी उन परिवारों की मदद के हेतु वापी नगर पालिका के विपक्षी नेता और उनकी टीम आगे आई हुई थी। वापी के बाजारों में रस्सी पर छोटे बच्चों के पास अंग कसरत के दाव करवाते हुए ढोल बजाते और बदन पर चाबुक के मार मार कर भीख मांगने वाले मूल कर्नाटक के गरीब परिवार अपने गांव नहीं जा पाए थे। ऐसे में परिवारों को एक महीने से हर रोज निरीक्षण करने के बाद उनकी गरीब परिस्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद वापी के विपक्षी नेता का दिल पिघल उठा था। यह सभी लोगों को बस में गांव भेजने से पहले सभी का मेडिकल रिपोर्ट निकाल कर बस की परमिशन लेने के बाद ही उन्हें भेजा गया है। बस के साथ लोगों को भी सैनिटाइज किया गया हुआ है। सरकार के द्वारा दिए गए नियमों के पालन के साथ खाने पीने की व्यवस्था करके ही वापी से उन्हें कर्नाटक के लिए रवाना किया गया था। इस मानवता भरे कार्य में वापी नगरपालिका विपक्ष नेता खंडूभाई पटेल, वापी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अरविंद भाई भानुशाली, महावीर फर्नीचर के श्रवण जोशी, वापी तालुका प्रमुख रमेश पटेल, सरदार वल्लभ भाई स्कूल के हरिलाल यादव, संतोष यादव, वलसाड जिला पंचायत के सदस्य भाविक पटेल आदि सबके साथ सहकार मिले हुए थे। ये वर्क छे मतलब भीख मांगी ने खाओ वाला वर्क छे, जे मतलब पछाड़ी पर छपाटा मारी ने भीख मांगे छे। ये लोगों ने मतलब जे कर्नाटक थी अहीं आ लोग वर्क ए आवेला हता, अने ए वर्ग ने अमे जोयु एक दिवसे के मतलब आ तो बधा भीखी मांगी ने खाय छे। दरेक लोग तो ट्रेन में आने मतलब सारा मतलब जेनी पास पैसा टका थोड़ा घना हसे ये बस ट्रेन में निकली गया, पर खरेखर आ मतलब हालत एवी छे के मतलब आ ट्रेन भी नहीं करी सके, बस भी नहीं करी सके, बस नु भाड़ू भी खर्ची नहीं सके, ट्रेन नु भाड़ू नहीं खर्ची सके एवी हालत छे। अने भीख मांगी ने खाय छे 3 થી 4 મહિના થી અમે જોયા તો લોકડાઉન ને હિસાબે એ મતલબ માં ખુલ્લા મેદાનમાં આવીને પડેલા હતા, અને ખુલ્લા મેદાનમાં જ એ મતલબ પડાવ લાગીને રહેતા હતા। એટલે જ્યારથી લોકડાઉન થયું તો બિચારા મતલબમાં અહીંયા ત્યાં મતલબ ભીખ માગીને મતલબ એનું ગુજરાન ચલાવે છે, પણ અમને ખરેખર માનવતાને ઇન્સાનિયત નિભાવવા માટે અમે મતલબમાં એમને મદદ કરી રહ્યા છે, અને અમને ખરેખર આનંદ થાય છે કે અમે આવા લોકોને મતલબમાં વાપીથી કર્ણાટક મોકલી રહ્યા છે। पार्टी में विपुल कॉम्प्लेक्स के पास बह रहे गंदे पानी की पालिका द्वारा सफाई कराई गई। पार्डी नगर हाईवे स्थित विपुल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में 12 जून के दिन खल कुएं का पानी मुख्य रास्ते से बह रहा था। इस समस्या के बारे में स्थानिक रहीसों ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके साथ ही यहां आई हुई कॉमर्शियल बिल्डिंग में रहने वाले रहीसों ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा बिल्डिंग में 3 क्लिनिक है, जिनमें आने जाने वाले मरीज भी इस गंदे पानी से त्राहिमाम हो चुके थे। इस परिस्थिति के बारे में हमारी टीम द्वारा न्यूज़ देने के बाद पालिका की टीम हरकत में आई थी और जल्दी ही उन्होंने इस एरिया में साफ सफाई करवाई थी। विपुल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में स्थानिक रहीस अब परेशान मुक्त है, जिसके कारण उन्होंने पालिका का आभार व्यक्त किया था। इनु मुख्य कारण ये छे कि हमारा सफाई कामदारों जे सफाई माटे पूरतो ध्यान आपे छे एमने खरेखर हूँ अभिनंदन आपू छूं, अने आ समस्या पूरी होती बीजा दिवस में लेट पड़ी गया विपुल कॉम्प्लेक्स में। हाल में काले अमे विपुल कॉम्प्लेक्स में तद्दन साफ सफाई पाउडर नाखी एकदम चूकू करेल है,
એ માટે અમારા સફાઈ કામદાર તમારી સફાઈ ટીમને મેં આભારી માનું છું. આજે દુકાનવાળાએ બી તમને અભિનંદનને પાત્ર કીધું છે, તો દુકાનદારને શું કહેવા માંગો છો? દુકાનદારે અમે એકીબીકી સંખ્યામાં જ્યારે નીકળ્યા હતા ત્યારે પણ અમને અભિનંદન આપ્યા હતા. અમારી કામગીરીના લોકો અમે વખાણ કરે છે, અમારી કામગીરીનો લોકો વખાણ કરે છે. વલસાડ જિલ્લા કે ધાદડ કુવા ગામે ત્રાહિત વ્યક્તિ દ્વારા રસ્તા બંધ કરને પર સ્થાનિય લોકોને કલેક્ટર કો જ્ઞાપન સોંપા. વલસાડ જિલ્લે કપરાડા તાલુકા સ્થિત ધુધડ કુવા ગામે ઉત્તમભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ ઓર ભગુભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ અપને યહાં શામ કે વક્ત મુખ્ય રાસ્તે પે સે અપને ઘર પર આવન જાવન કે લીએ માર્ગ મેં નલિયે બીછાને કે કામ મેં લગે હુએ થે. ઉસી સમય ઝવેરભાઈ પટેલ ઓર ચંદન બહન પટેલને માર્ગ પર કાંટો સે ભરી જાડિયા ડાલકર માર્ગ બંધ કર દિયા થા. ઉસ કાંટો સે ભરી જાડી કે ઉસ કાંટો ભરી જાડી કો જબ ઉત્તમભાઈ ઓર ભગુભાઈ હટાને કે લીએ ગયે તબ ઝવેરભાઈ ઓર ચંદન બહન ને ગુસ્સે મેં આકર ઉન્હે ગાલી દેકર માર મારને કી ધમકી દી થી. ઇસ મામલે કે ચલતે રાસ્તે કી પરેશાની સુલઝાને હેતુ વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર કો આવેદન પત્ર સુપ્રત કિયા ગયા હુઆ હે. સાહેબ અમારા રેલવે તકે બની જાય એ એ નબરા વિનંતી અમારે. ઝવેરભાઈ લીમજીભાઈ અમારે રસ્તો કાંટે લખી દીધા છે ને બંધ કર્યો છે અને અમે સાહેબ કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી છે, અરજી આપી છે. સમાચાર સમાપ્ત કરને સે પહેલે એક નજર આજ કી સુર્ખિયો પર. સંઘ પ્રદેશો મેં કોરોના કે મરીજો કી બઢતી સંખ્યા બની ચિંતા કા વિષય. કોરોના કે બઢતે મામલો કો લેકર ઢાબેલ સોમનાથ રોડ હુઆ સીધો. वापी की चनोट शिव शक्ति बिल्डिंग के वॉचमैन पर 5 व्यक्तियों ने सरियों से हमला किया. पार्टी में विपुल कॉम्प्लेक्स के पास बह रहे गंदे पानी की पालिका द्वारा सफाई कराई गई. ये थी अब तक की दमन न्यूज. कल फिर नए समाचारों के साथ मिलेंगे, तब तक कविता माहेश्वरी को इजाजत दीजिए. नमस्कार.